दसवीं क्लास है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें हम तौहा की तख्ती तक पहुंचे हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, जाने से पहले ना अपनी सारी तक का ओवरव्यू बता दिया था और बोला था तो शॉर्ट वीडियो शेयर करूंगा, तो वो तो नहीं आ पाई हमारे तक, लेकिन मैंने तो कोशिश की है आगे तक ये करने की। जी बिल्कुल, मैंने शॉर्टकट आपको सारी तख्तियों का खुलासा बता दिया था, तो लेकिन आपने पूरी तख्तियाँ मुकम्मल करनी हैं ताकि एक रिवायती तरीका भी पूरा हो जाए, और इंशाल्लाह ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हम आगे चंद क्लासों में, 5 से 6 क्लासों में हमारी तख्तियाँ कंप्लीट हो जाएंगी, फिर हम कंपोजिशन पे आ जाएंगे। सौत की तख्ती में बस ये बात थी कि ये जो जोड़ था, ये जोड़ वो बा अलिफ की तरह, एक मिनट वेट कीजिएगा, ये कोई प्रॉब्लम आ गया। Recording in progress. तो सौत की तख्ती में ये जोड़ था, आपने ये नहीं करना कि इसका जो जोड़ है वो आपने ये नहीं करना, बस इतनी सी बात थी। यहाँ पर गोलाई होगी, ये चीज इधर लाएंगे कलम और फिर नीचे ले जाए। अच्छा, इसमें मैंने ये बताया था कि स्वाद में आप जब स्वाद रॉ आ जाए या स्वाद नीम आ जाए तो उसमें आप सिंपल वाला स्वाद भी बना सकते हैं, हत्ता के स्वाद अलिफ में भी आप सिंपल वाला स्वाद बना सकते हैं दीवानी जली में। लेकिन उसमें फिर ये ज्यादा खूबसूरत नजर आता है, तो ये ज्यादा बेहतर है। बाकी स्वाद रॉ में भी आपको ये वाला स्वाद बन सकता है, यूं करके भी बना सकते हैं, जबकि इसको हम तवील कर दें ऐसे करके भी बनाते हैं। तो ये स्वाद के हवाले से बात, ये तख्ती हमने आपको पूरी करवा दी थी। तौ की तख्ती है जो अब आपसे आपको लिखवानी है, और उसके लिए इसी तरह ऊपर जाएंगे दो नुक्ते, फिर 45 के एंगल पर दो नुक्ते, फिर सीधा नीचे एक नुक्ता, और फिर 45 अब यहां हम देखें तो ये तीन नुक्ते, एक नुक्ते के गैप से हमने ऊपर उठा लेना है कोई भी लफ्ज, चाहे अलिफ के लिए जा रहे हो, बा के लिए जा रहे हो, एक नुक्ते के लिए ऊपर उठा। अब इसके बराबर से आपने अलिफ वाला स्ट्रोक बनाना है, अलिफ वाला स्ट्रोक बनाना है और इसके जॉइंट में आकर इसको जॉइंट करना।
ये देखें, यहीं से इसको ज्वाइंट हो जाए। ये नहीं करना कि आप इसको आखिर में लाके ज्वाइंट कर रहे हैं, मकसद ये है कि आपने ये नहीं करना कि आप इसको ये बनाएं और ये करें, यहाँ गैप नहीं आना चाहिए। ये कवर हो, ये मर्ज हो इसमें, फिर इसका ताज बनेगा। तौर का ताज लाजमी बनता है, जब शुरू में आता है, दरमियान में आता है तब भी, आखिर में आता है तब भी। अब ये तौर का जो अलिफ है, तौर का अलिफ, ये आप इसके बाद अगर अलिफ लिखते हैं तो इसके बराबर भी आ सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है, वो कॉम्पोजिशन में छोटा हो सकता है। मुफरत लिखेंगे तो आप इसके बराबर भी लिखेंगे। ये आप अलिफ छह नुकतों को बनाते हैं तो फिर आप इस, ये आपका चार नुकतों का होगा। अब बाकी आपने इसी तरह से तौ बनाकर हरूफ जोड़ने। एक नुक्ता आगे गए, एक नुक्ते का गैप था, यहां भी एक नुक्ता आगे गए, ऊपर उठाया एक नुक्ते के बराबर, और फिर आप चूंकि इस पे लाइन पे चलते हैं दीवानी जली में, इसीलिए तौ और ता ये बड़े हरूफ लिखते वक्त ऊपर से शुरू करते हैं। जैसे मैंने यहाँ से गलत शुरू कर दिया था, ये वाला गलत शुरू कर दिया था, तो इसको मैंने नीचे लाइन लगा दी कि लाइन पे खत्म होगा। इसी तरह ये भी लाइन पे खत्म होगा। ये बड़ा वाला बा हो गया, ये छोटा वाला। अब कॉम्पोजिशन में ये छोटा बड़ा मजीद आप छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं। ये बा भी है, ता भी है, सा भी है, नून भी है, और इसके ऊपर डंडी लग जाए तो ये काफ भी बन जाता। जीम के लिए देखें, सिंपल वाला हम जीम बनाएं तो फिर आधी नोक से बनेगा। और ये भी आधी नोक से।
इसमें फिर अगर आप दूसरा जीव बनाना चाहते हैं तो इसको आप पतला करेंगे और फिर ये वाला जीव, लेकिन ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है। इसमें आप पॉ और जीम को अलग अलग भी बना सकते हैं, उस सूरत में आप जीम गोल वाला बनाएंगे। पौ दाल को देखें, एक नुक्ता उठाया, सीधा कलम लाए, इसके बाद नोक से ये बना। रॉ के लिए, दाल के लिए बताया था कि उठान होती है और रॉ में ढलान होती है। इसका जोड़ देखिएगा, ये तिरछा लाने के बाद एक नुक्ते के गैप से ये सीन बनाया और ये चीज। इसमें दो बातें हैं, नोट कीजिएगा। एक ये सीधा सीधा हम लेके आए, एक ये के इसको हम ऐसे पतला कर दें जैसे हम मुफरत पाव बनाते हैं और फिर ये वाला सीन। ये पैवंद वाला, ये वाला ज़िगज़ैग वाला सीन में हम डायरेक्ट नीचे आएंगे। इसके जोड़ से ये देखें तो हम यहाँ दो नुक्ते आ जाए, इतनी गहराई होनी चाहिए। अच्छा, ये जो दायरा था इसके हवाले से मैं बताया था आप लोगों को कि ये ऐसे गोल नहीं होता, ये ऐसे गोल नहीं है,
केस में ये चीज है, यानी इसको समझेगा। स्वाद के लिए स्वाद हो गया, और ये सीन भी आई, ये वाला स्वाद और इनमें ये नोक बनती है, फिर ये स्वाद बनता है। ये नोक आकर यहाँ जॉइंट हो जाती है, लेकिन याद रहे कि एक एक नुक्ते का फासला हो। ये दोनों तो ऐसे हैं जैसे मुफरद लिखे हुए हो, इंडिविजुअली जो तो लिखा जाता है सेम वही तो। कहीं दो किस्मों पर है, एक जो जॉइंट करके लिखते हैं वो आइन, इसको चाहे हम ये नीचे वाला बना दें जुल्फ वाला या फिर दायरे वाला, या फिर इंडिविजुअली इसके साथ हम जो इंडिविजुअली शक्ल है वो वाला बनाकर इसके साथ जोड़ दें। ये टच हो गया, ये अलग होना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा हो, पा को यहां से पतला करेंगे, काफ हम दो तरह का बना सकते हैं।
एक ये वाला काफी बन सकता है जो लाम की तरह हो। इसको आप चाहे ये वाली अलामत इस पे बना दे, चाहे ये वाली अलामत बना। चाहे ये वाली बना दे। काफ बना दूसरा जो काफ है वो बा की तरह है। उस पे भी अलामत लगेगी। ये वाली या ये वाली, इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं। Recording in progress. अब ये जुल्फ वाला मीम बनाए या फिर आप छोटा वाला मीम बनाए। नून के लिए आप सिंपल नून के साथ तौर को जोड़े। या फिर बा की तरह नून बनाए। इसमें भी आपके पास दोनों ऑप्शन है, बड़ा वाला नून भी बन सकता है यानी बड़े वाले बा की तरह। वाव है सिंपल है बिल्कुल। हाँ इसी तरह इसको दो चश्मी हा के साथ दिखे। तो आधे कलम से बनेगा ये हिस्सा या पूरा दो चश्मी हा। और अगर दूसरा वाला हाँ बनाते हैं
दो तरीके से बना सकते हैं, ये भी और ये भी। इसी तरह अगर आपको हाँ को आगे किसी के लफ्ज के साथ जॉइंट करना है तो आप हाँ की ये वाली शक्ल भी बना सकते, ये आखिर वाला भी हाँ है, इस तरह ये हाँ है, यहाँ की दूसरी शक्ल, आखिरी शक्लों में से दूसरी शक्ल। छोटी या बड़ी या नहीं आती तो आगे तख्ती में सिंपल लिखना है, आप ऐसे लिखेंगे तो बराबर कर दें, अच्छा ये लाम को थोड़ा छोटा कर दें, लेकिन ये गैर मुस्तमल है, ना लिखें तो बेहतर है, इसमें लाम अलिफ में तो ये चल जाता है लेकिन जॉइनिंग की सूरत में ये नहीं आता, सिंपल लाम अलिफ लिखेंगे तो उसमें तो ये आ जाए। ये बीच में नहीं आएगा। अब इसमें दो सूरतें हैं फिर कि इसको आप नीचे रख के ये एक खला वाला बनाएं या फिर इसको थोड़ा सा आप ऊंचा कर और नाम को बराबर कर दें। ये ता की तख्ती कि मैं आपको तस्वीरें भेज दूंगा तो ये आपने पूरी मुकम्मल करनी है, चूंकि आपकी भी मश्क लगता है रुकी हुई है क्योंकि काम आप लोगों ने भेजना है, आप मुझे खास तौर पर सौत की तख्ती भेजनी है और फिर उसके साथ ता की तख्ती, तो सौत की तख्ती का होमवर्क दिया था मैंने आपको, वो शायद अभी चेक नहीं हुआ, उसे भी मैंने देखना है, ता की तख्ती भी देखना है, ये आपका अगली क्लास के लिए काम है, और चूंकि दो दिन का गैप है तो इसीलिए ये काफ़ी है, ऐन की तख्ती थोड़ी सी जीम की तरह है, तफसीली है, तो वो इंशाल्लाह फिर हम जुमेरात की क्लास में करें। ता की तख्ती के हवाले से किसी का कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। जी सब बिल्कुल खामोश हैं आज।
सर वो जो छुट्टियों के बाद बच्चों की हालत होती है, अब सब बिल्कुल वैसे ही है, हम ब्लैंक थोड़े से। तो सर जो तौ की तख्ती मैंने तो लिखी है, लेकिन वो मुझे लग रहा है कि मेरा मेरी तौ की शेप ही ठीक नहीं है, तो वो तो ना शेयर करूँ ना दोबारा, नई वाली नई लिख के दोबारा शेयर करूँ। हाँ बस ये अभी मैंने आज तो आपको समझाया, शुरू में 45 डिग्री पे रखे, शेप नीचे की तरफ आई। जी सर। दीवानी जली में ये जो बा वगैरह मैंने बताए हैं तो ये नीचे नहीं गिरते, ये लाइन के ऊपर ऊपर रहते हैं। काफ और बा एक ही तरह के होते हैं, यही बा होगा, यही काफ होगा, यही नून होगा और लाइन पे होंगे, शायद उनका एक ही होगा, शक्ल उनकी बनावट एक ही होगी। दीवानी में थोड़ा मुख्तलिफ है, दीवानी जली में एक ही तरह का होता है। तो आज फिर हम ज्यादा आप लोगों को तो मसरूफ नहीं रखते, तो बस ये होमवर्क कीजिएगा आप, उसके बाद इंशाल्लाह जुमेरात को, जुमेरात से पहले, क्लास से पहले आप भेज दें ताकि मैं देख लूँ और फिर काम हो। बहुत से लोगों को मैंने जगाना भी है क्योंकि मेरी छुट्टियों की वजह से उन्होंने भी लगता है कि काम छोड़ दिया है और मायूस हो गए। तो आप लोगों ने अच्छा अच्छा काम ग्रुप में भेजना है ताकि दूसरों के लिए आप भी मोटिवेशन का सबब बने। तो इंशाल्लाह जुमरात की क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।